हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में सभी व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज होई अष्टमी, मेरी तरफ से सभी माताओं बहनों को होई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी से होई मैया से यही प्रार्थना करती हूँ सबके बच्चों को स्वस्थ रखें और सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी माताओं बहनों की गोद भरी रहे और बनी रहे, यही होई माता से बस मेरी प्रार्थना है कि होई माता सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए आज हमारा छोटा कैसे अपने बालों को सेट कर रहा है, नहा धो के बाबूजी बन गए, आज स्कूल नहीं गया है ना मम्मी, होई माता का आज अपने हमारे ऊपर व्रत रखा है तो आज इसने कर लिए छुट्टी। और देपी बाद मार्केट गया है, उसका भी आज कॉलेज में क्लास वगैरह नहीं है तो वो भी मार्केट गया है होई माता का कैलेंडर वगैरह लेने के लिए, शाम की पूजा में मुझे चाहिएगा और उसको आज शाम को बनवानी है चाप, तो अपने लिए चाप भी लेने के लिए गया है। देखिए आज बच्चों का दिन है, जो बच्चों को अच्छा लगेगा आज वही बनाएंगे। और वैसे तो देखिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, सुबह 5:30 बजे मैं नहा ली थी, क्योंकि ये चल रहा है ये कार्तिक का महीना, तो सुबह झाड़ू लगा के नहा धो के मैं फटाफट से बस तुलसा जी में दिया वगैरह जला देती हूँ। मेरी प्रॉपर पूजा नहीं हो पाती है सुबह को, क्योंकि इसके पापा जी को ऑफिस जाना होता है, वो तैयार हो जाते हैं, फिर उनका लंच वगैरह बना के उसके बाद मैं अपनी अच्छे से पूजा वगैरह करती हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी को नहा धोवा के उनका भोग भोग सब लगा दिया है और अब मैं जल्दी से फटाफट घर का काम निपटाती हूँ। काम करने के बाद फिर दोपहर को सुनेंगे हम 1:30 बजे कहानी, तो उसके लिए फटाफट से अच्छे से तैयार होंगे। काम करने के बाद देखिए मुझे फिर से दोबारा नहाना होगा, अभी मैंने सिर सुबह नहीं धोया था क्योंकि सुबह इतनी जल्दी सिर नहीं धोया मैंने, 5:30 बजे बहुत ठंड रहती है ना, तो अब मैं दोबारा से नहाऊँगी क्योंकि फिर पोछा वगैरह लगाऊँगी तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर नहाऊँगी तो मैं फिर अपना सिर वगैरह धोऊँगी। और मेरे देवान है देखिए कैसा आया है ना, रुक गया ये कि मम्मी ब्लॉग बना रही है ना, रुक गया, इसने मुझे बहुत सुंदर साड़ी दिलवाई है और देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत सुंदर साड़ी है। और मैं अपने बच्चों के लिए फटाफट से तैयार होंगी और कहानी सुनूंगी, और देखिए जो भी है हम थोड़ा थोड़ा अपने ब्लॉग में जो भी लेके आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पूरे ब्लॉग पे बने रहना है, लास्ट तक हमारा ब्लॉग देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ वो सभी हमारे बेल आइकन को बटन को दबाएँ, और जिससे भी हमारा जो भी नया वीडियो ब्लॉग हम बनाते हैं वो आप तक पहुँचे, है ना। और जल्दी से फटाफट काम निपटा लेती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी बेटी ने मुझे कितनी सुंदर साड़ी दिलवाई है, और फिर पहनूंगी, तैयार होंगी ना, फिर तैयार होकर भी आपको ब्लॉग दिखाना है। शाम को पूड़े बनेंगे, पूड़े की पूजा होती है होई अष्टमी, तो फिर शाम की तैयारी दिखाएंगे, थोड़ी थोड़ी जो भी है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप बताइएगा कमेंट में लिख के कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। ओके देखिए फ्रेंड, मैं नहा के आ चुकी हूँ, सिर धोई आई हूँ, अब ये दूसरी बार नहाई हूँ मैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी साड़ी पहनूंगी। मेरे बेटे ने मुझे जो साड़ी दिलवाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा ये वाली साड़ी मेरे बेटे ने मुझे दिलवाई है, ये देखिए ये इसकी ब्लाउज है और ये साड़ी है, ये देखिए इस तरीके से ये बीच में से है और ये इसका पल्लू है। और जब मैं पहनूंगी ना आप तब देखिएगा, ये मैं कंगन लेके आई थी इसके साथ में, ये देखिए, और रेड चूड़ी पहनूंगी, रेड में ग्रीन आ रहा है बीच में, वो मैं इसमें मिला के पहनूंगी ये वाली, ये देखिए। और अब मैं तैयार होती हूँ तब आपको दिखाऊंगी। बताइएगा फ्रेंड साड़ी कैसी लगी मेरे बच्चे ने दिलवाई है मेरे को, ना कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। देखिए तो फ्रेंड मैं तैयार हो गई हूँ, ये देखिए कैसी लग रही है साड़ी, मतलब ग्रीन और रेड और वाइट इसमें कलर है, ऐसा लग रहा है जैसे 15 या 26 जनवरी के लिए तैयार हो गए ना। देखो साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, देखिए ये इसका पल्लू है ये वाला, ये देखिए और पल्लू के जैसा ही इसका ये ब्लाउज है, तो कैसी लग रही है साड़ी मेरे बेटे ने मुझे दिलवाई है, अच्छी लग रही है। और मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए, और टाइम भी काफ़ी हो गया है और कहानी सुन के आती हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उनके बच्चे मर जाते हैं, श्यो माता आती है, बहुत गुस्सा होती रहती, मैं तो शाप दूंगी कि ना जिसने अभी मेरे बच्चे मारे उसकी गृहस्थी बिना चलना चल जाने की, वो जो मैं सबसे छोटी होती है उसकी भाभी जो होती है, तो भाभी तुम साफ है ना, हाँ की सेवा करो, सेवा करिए, तो वो सेवा करनी शुरू हो जावे सुबह ही अपना सकेना होती है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा तो देखो छूट आना गमला अभी देखिए फ्रेंड, तो मैं कहानी सुन के घर पे आ चुकी हूँ, और घर आके मैंने एक दो रील बनाई है, शॉर्ट रील भी बनाई है,
और आप फटाफट से चेंज करके लगूंगी किचन में, अब करती हूँ खाना तैयार, क्योंकि देखिए ये ऐसे टाइम हो जाता है, फटाफट पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, अब बहुत टाइम लगेगा देखिए खाना बनाने में भी, और फिर पूजा की तैयारी करेंगे, शाम की पूजा की तैयारी होगी, ठीक है। तो मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना, करती हूँ तैयार। देखिए फ्रेंड, तो खाना हो रहा है तैयार, ये मैंने घोल बना के रख लिया है, उसके बनाऊंगी मैं पूरे, ये घोल तैयार है, ये देखिएगा पूरे बनाऊंगी। कढ़ाई मैंने चालू कर दी है, कढ़ाई गर्म हो रही है, और ये मैंने चाप को काट के तल के और दही को अच्छे से चला के और उसमें मैंने ये भिगो दिया है, इसमें चाट मसाला डाल के इसमें मैंने इसको भिगो के रख लिया है। और ये सब्जी की तैयारी हो रही है इधर, ये टमाटर भून रही हूँ, इसमें मैंने हरी मिर्च और थोड़े से काजू डाले हैं और खड़े मसाले डाले हैं, जिन्हें अच्छे से भून के इनको और ठंडा करके इसमें मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो सब्जी की भी तैयारी चल रही है, इसी तरीके से तैयारी हो रही है। देखिए प्याज नहीं डाली है मैंने, इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि होयसनी भी है और फिर मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाती हूँ ना, फिर मेरा मन नहीं मानता, उनका भोग लगाती हूँ। और देखिए मैक्सी डाल दी है मैंने, साड़ी उतार दी, क्योंकि फिर ना हाथ लगते हैं चिकनाई वगैरह के, इस वजह से बाद में दोबारा से साड़ी डालूँगी मैं खाना तैयार करके, और पहले खाना कर लेती हूँ तैयार। जब तैयार हो जाएगा तो और मैं आपको जब दिखाऊंगी, पूजा करूंगी वो भी दिखाऊंगी, जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी ब्लॉग में, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, तो मैंने पूरी भी बना चुकी हूँ और ये सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है, इसमें सब्जी रखी है ये भी, ये देखिए चाप तैयार रखी है बनी हुई, और आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो बस पूड़ियाँ बनानी रही हैं। और ये देखिए ये साड़ी है, मैं ये साड़ी मनसूंगी हुई अष्टमी पर, तो अब चलती हूँ पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद जल देने के बाद जब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, चलिए पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना हुई माता के यहाँ नीचे गेहूँ रखे जाते हैं, और यहाँ पे दिया जलता है घी का, और ये कलश भर के रखा है, और अब पूड़े से हम हुई एक यहाँ पर पूड़ा एक इसमें रखा जाएगा, थाली में रखते हैं, अब हुई माता को हम जमाएंगे पूड़े से। देखिए चुपट्टा भी नहीं है, चिकनाई लगी हुई है, बीच में से ऐसे निकाल के ना यहाँ पर कला और चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, तो ये क्योंकि कैलेंडर चिकना है ना तो उससे छूट जाता है कलावा थोड़ी ही। इस तरीके से तुम्हारा कला बनेंगे, और कलावा हमने लगा दिया है। अब जैसे ये घी है ना, तो इससे हम इसमें घी की दो धार बनाएंगे, एक तो ये आ गई है और एक ही यहाँ से आ गई है, एक ही आ गई है, तो ऐसे किस तरीके से दो धार आनी चाहिए, दो धार भोकी आनी चाहिए इस तरीके से, तो ऐसे करते हैं, इसमें से घी लेके थोड़े इनर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट कोल्ड मेल्टेड, फिर सबको छोड़िए, इस तरीके से हुई माता की पूजा होती है, पूजा में पूड़े बनते हैं, 8 पूड़े रखे जाते हैं, और आपकी श्रद्धा है कि आप
साड़ी या जो भी मनसना चाहे कोई माता के लिए, उस पर झांपते हैं ना, साड़ी बोलते हैं कि साड़ी झांपते हैं, और जो भी पैसे रखे जाए वो आपकी श्रद्धा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा होती है। और यहाँ पे गेहूँ वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए कैसे रखे जाते हैं, और अब जल देने जाऊँगी। देखिए फ्रेंड, तो तारे को जल दे दिया है, और अब कंडीशन देखिए कैसी हो रही है, सुबह से लेके शाम तक हालत कैसी हो रही है भाई। खाना वगैरह सब तैयार करा किचन में, और अब देखिए कैसी हालत हो रही है, बस कुछ पूछो मत। और देखिए जल दे के आई मैं, और बच्चों ने व्रत भी खुलवाया मेरा, कोई था नहीं घर पे जो हमारा वीडियो बनाते ब्लॉग बनाते। तो देखिए फ्रेंड, जो भी हमने आपके साथ ही शेयर कराया थोड़ा थोड़ा, जो भी चीज़ हमने ब्लॉग में बनाई है, तो देख के बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ना दबाना भूलें, जिससे हमारा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे ना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।